भाई यार तुझसे कुछ बात करनी है। हाँ तो कर ना यार। इधर नहीं, थोड़ा साइड में आ जा। मुझे नहीं आना, जो बात करनी इधर ही कर ले। अरे आना यार प्लीज। मुझे नहीं आना। पर क्यों? तेरे इरादे ना मेरे को कुछ ठीक नहीं लग रहे हैं। क्या फालतू बोल रहा है भाई? बुरा मत मान यार, इंस्टाग्राम की वजह से ना थोड़ा डर सा पैदा हो रहा है मन में, क्योंकि पहले लोग सब स्ट्रेट बनते हैं, बाद में सब अपने औकात में आ जाते हैं। मैं कुछ समझा नहीं, तो कहना क्या चाह रहा है? अरे यार मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि लोगों को कहां से देख के लगता है कि मेरे को लड़कों में इंटरेस्ट होगा। हुआ क्या भाई? इंस्टाग्राम पे ना चूतड़ जैसी शक्ल के लोग मेरे को टेक्स्ट कर रहे हैं, हाय जानू आई लव यू, कभी हमारी भी मार लो आके। ये चल क्या रहा है भोसड़ी का? क्या बोल रहा है भाई? यार ये बहुत ज्यादा सीन हो रहा है यार मेरे साथ। तो एक्शन लेना इन सब पे। क्या एक्शन लूं? पुलिस के पास गया तो वो लोग हंसेंगे मेरे पे। भाई हंसेंगे क्यों? जब से LGBTQ आया ना, इन लोग के लिए भी कोई ना कोई रूल्स बने हैं, बता ना तेरे को। और ये तुम लोग ऐसे मेंटली हरेस नहीं कर सकते तुमने, अगर इनको एक बार मना कर दिया हो कि अगर ऐसा मैसेज या कॉल ना करो तो। भाई यार बहुत बार मना किया, एक बार मना नहीं किया, बहुत बार मना किया, और ऊपर से यार हटते नहीं है लोग। तू कुछ आइडिया दे मेरे को अच्छा सा। तो ऐसा कर, जो भी तेरे को ये टैग से मैसेज कर रहा है ना, उनका स्क्रीनशॉट मार और पोस्ट में डाल दे, और उनको भी टैग कर। ये आइडिया सही है। हाँ, और उनके जो जानने वाले होंगे उनके अकाउंट में, वो भी देखेंगे उनके बंदे कैसे हरकतें कर रहे हैं। यार अब समझ में आ रहा है लड़कियां कैसे ये सब झेलती होंगी। सही में, जब से LGBTQ आया ना यार, तब से ना दुनिया बहुत अलग सी हो गई है। हाँ, और पहले हम दोनों खुद इस चीज में सपोर्ट में थे, तेरे को पता ही है। Exactly. और अब हमारी सपोर्ट को कहीं लेने के चक्कर में आए। खैर मैं ये सब छोड़, मैं तो कुछ बात करने के लिए आया था। अरे हाँ बता क्या हो गया? भाई यार तो अपनी बीवी को समझा लेना यार, वो खामखा मेरे पे डोरी डाल रही है। रुक अभी बात कर लेते हैं। सुनो। हाँ प्लीज भाई। आ रही है। हाँ तुम कहाँ थी अभी? टेरिस पे। ये बोल रहे तुम इसके ऊपर डोरी डाल रही थी? मैंने नहीं डाली। मैं नीचे सो रहा था, तुमने ऊपर से डोरी डाली मेरे पे। मैं क्यों डालूंगी? मुझे क्या पता, पर वो तुम ही थी। मैंने नहीं डाली, खामखा दिमाग मत खराब करो मेरा। अरे वो तुम ही थी यार, क्योंकि पूरे मोहल्ले में पायल की बात तुम्हारी ही है। वैसे ही तुझे इस मोहल्ले की हर औरत का बड़ी खबर है यार। भाई लॉकडाउन में ना घर में रह के बेले रह के ये चीज का नॉलेज इंक्रीज हुआ है बस। क्या ये? खैर अब बताओ क्यों डाली तुमने डोरे मेरे पे? मैंने नहीं डाली। अरे तुमने ही डाली, मान जाओ। क्या मान जाओ, क्या फालतू बकवास कर रही है यार? तुम अपनी गलती मान क्यों नहीं रही हो? चुप एकदम। पता नहीं क्या लगे वो दोनों जन, डाली नहीं डाली, देखा नहीं देखा। तुम बताओ तुम छत पे क्या कर रही थी? सफाई कर रही थी। तो सफाई करो ना, तो डोरे क्यों डाल रही हो? अरे छत पे डोरों का इतना गुच्छा बना हुआ था, मैंने उठा के फेंक दिया, मुझे क्या पता ये नीचे सो रहा है। एक मिनट, तुम दोनों कौन सी डोर की बात कर रहे हो? पतंग की डोर। अबे यार क्या हो गया? कुछ नहीं, तुम ना कल से डोरी इधर उधर मत फेंकना, डस्टबिन में फेंकना, ठीक है? और तू भी जा, सॉरी मेरी तरफ से, ठीक है? मैं भी जाती हूँ। हाँ भाभी आपके हाथ बहुत खूबसूरत लग रहे हैं। ओए!